और भाई मैं तो पहले ही बता दूं आपके लिए कि भाई देखो अभी हमारा बाइक का टैंक है ना पूरा समझो फुल है, बस दो सेल्स के जो है ना दो पॉइंट है ना थोड़े से कम है। तो भाई जैसा कि अभी सिंपल मैं बताऊं कि यहाँ पे ये लगी है भाई डोमिनोर 400 तो ये है भाई हमारे पूरन भाई। और हालांकि मैं बताऊं कि भाई इनको शायद आप लोगों ने पहले ही वीडियो में देखा था, और जो बनी कवर भाई मैंने दिखाया था अभी आपने थंबनेल भी देखा होगा भाई ये है। और इसका भाई प्राइस क्या था? तो भाई ये जो है भाई मैं दिखा दूँ कि भाई अभी ये भाई का जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे भाई को सपोर्ट करो। तो भाई अभी हम जाएंगे इसके नीचे, देन अगर हम लोग चाहें तो उस साइड से ट्रैक से भी जा सकते हैं, बट भाई इस वाले ट्रैक से जाने में मतलब ये है कि वहाँ पे आगे जाके हम लोगों को ब्रिज जो है क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली, कैसा है आप लोग? भाई मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और भाई काफ़ी दिनों से आप मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो फाइनली मैं बता दूं कि भाई अब ज़्यादातर वेट नहीं करना पड़ेगा, हालांकि मैं टाइम थोड़ा थोड़ा निकालने लगा हूं। तो फाइनली मैं बता दूं कि भाई अभी मॉर्निंग के भाई बज चुके हैं 6:30 और टाइम के हिसाब से मैं बता दूं कि भाई अभी मैं किस प्लेस पे हूं, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ कि भाई मैं किस प्लेस पे खड़ा हूं। उसके बाद में चलते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ। मैं बता दूं कि भाई आज वाला हमारा ब्लॉग जो होने जा रहा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि भाई जो वीडियो मतलब क्रिएट करते हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आउटसाइड वीडियो शूट करते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि भाई ये परमानेंट ब्लॉगिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड उसके अलावा अगर आप चाहो तो नॉर्मली बैक से भी कर सकते हो, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिंपल से गाइस मैंने आपको बता दिया था कि भाई अभी आपकी भाई का जो ब्लॉगिंग कर रहा है वो परमानेंटली भाई करेगा टीवीएस स्टार सिटी से। और ये बाइक जो है मैं प्रॉपर पहले ही बता चुका हूँ आपके लिए, ये बाइक है 110cc की और काफ़ी ज़्यादा माइलेज इसका वेस्ट है। एंड मैं बता दूं कि भाई काफ़ी ज़्यादा पिकअप तो भाई बता नहीं सकते, भाई दिल खुश हो जाता है। मैं बता दूं कि भाई अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके हमें जरूर बताओ कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। बट चलते हैं फटाफट से अपनी बाइक पर। और भाई मैं तो पहले ही बता दूं आपके लिए कि भाई देखो अभी हमारा बाइक का टैंक है ना पूरा समझो फुल है, बस दो सेल इसके जो है ना दो पॉइंट है ना थोड़े से कम है। भाई अभी मेरे को ये वाला कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई ये लोकेशन जो है किस रोड की है और किस जगह की है। तो भाई जो लोग भाई इस रोड पे चल चुके हैं तो भाई वो लोग मेरे को जरूर बता सकते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अभी मॉर्निंग के भाई 6:30 बजे ना, तो भाई ठंड की वजह से ना दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा भाई, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। वो तो मैंने ये मान के चलो मैंने भाई ना ठंड में इनर पहनी थी और ब्लैक कलर की इनर है और ब्लैक भाई नीचे लोअर पहना हुआ है, बट शूज हमारे जो हैं जो वाइट कलर के हैं। भाई अभी भाई मैं मुड़ चुका हूँ भाई कसरक वाले ऑन रोड से, और ये वाला रोड थोड़ा सा भाई पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस वाले ट्रैक से बाइक निकलना बहुत मुश्किल थी। लेकिन अब थोड़ा सा सुकून लग रहा है मेरे को कि भाई ये वाला ट्रैक है ना भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त धीरे धीरे बन चुका है, बट अभी थोड़ा सा रोड पर जंपिंग टाइप की रह गई है। भाई इधर पास से मैं चेक कर रहा हूँ तो भाई ये वाला जो व्यू है ना भाई ये वाला सिंपल सा, अभी देखो भाई ट्रेन है ना अभी तो नहीं आ रही है, बट रेलवे है ये बना हुआ पूरा साइड में और रेलवे की लाइन है, तो भाई बहुत अच्छा लगता है ये वाला व्यू। और अभी थोड़ा सा धूप जब निकलती है ना यहाँ पर तो भाई थोड़ा सा व्यू है ना और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। सिंपल सा बता दूँ कि भाई अभी ऊबर की साइड में भी हम लोग चेक करेंगे तो भाई क्या है ऊबर की साइड में जो ओवर ब्रिज पूरा आपको दिख रहा है, सिंपल सा अभी हम लोग उस वाले ट्रैक पर चढ़ के और फिर आपको वहाँ से व्यू दिखाते हैं। भाई अभी हम जाएंगे इसके नीचे, देन अगर हम लोग चाहें तो उस साइड से ट्रैक से भी जा सकते हैं, बट भाई इस वाले ट्रैक से जाने में मतलब ये है कि वहाँ पे आगे जाके हम लोगों को ब्रिज जो है क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। भाई अभी जो व्यू है भाई थोड़ा थोड़ा देख लो क्योंकि भाई धूप होती ना तो धूप में भाई बहुत ज़्यादा व्यू जो है प्यारा लगता है। वैसे भाई हम लोग इस वाले जो ब्रिज है अंडरग्राउंड बना हुआ है यहाँ से हम लोग अभी सिंपल से यहाँ से निकल के और फिर आगे वाले रोड पर जाके ना मिल जाते हैं। एंड भाई प्रॉपर अभी चेक करो कि भाई अभी हम लोग जाके ना मिल चुके हैं अपने 4 लाइन बरेली टू जो सॉरी भाई शाहजहाँपुर से बरेली के लिए जो हमारा हाईवे है हम लोग उस वाले ट्रैक पे जाके मैचिंग कर चुके हैं, यानी कि मिल चुके हैं। फाइनली मैं बता दूं कि भाई अभी हम लोग खड़े हैं भाई फतेहगंज के आगे, भाई हमारा है हेरिटेज ढाबा, फाइनली मैं पीछे दिखा दूं तो भाई अभी हम लोग यहां पे आ चुके हैं। ऑलरेडी मैं बता दूं कि भाई अभी हमारा एक न्यू ग्रुप भाई लोगों को मिला हुआ है और भाई लोगों की बाइक्स जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर लगी हैं। तो भाई जैसा कि अभी सिंपल मैं बताऊँ कि यहाँ पर ये लगी है भाई डोमिनोर 400 और भाई इसका कलर जो है भाई
कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई। ये लोग आप ही लोग बता सकते हो मेरे को कमेंट में कि भाई इसका कलर जो है आपको कैसा लग रहा है। और जो मॉडिफिकेशन वगैरह है भी इसमें कुछ हालांकि नहीं लगा, बस एक सिर्फ वाइजर ऊपर की साइड में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं लगा है। बट एक जो यहाँ की नंबर प्लेट थी भाई ने वहाँ से हटवा के इसको यहाँ जो है मॉडिफाई करवा रखा है। देन मैं बताऊँ कि उसके बाद में हमारा जो भाई डोमिनर 400 में भाई ने जो क्रैश गार्ड लगाया था भाई बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट एंड काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है और फीचर भी बहुत अच्छा है भाई। और पीछे भाई जो है फुल गाड़ी जो है ना मॉडिफाई करा रखी है, पीछे का जो सपोर्ट है ना पीछे बहुत ज़्यादा मजबूत है एंड पीछे का शायद मडगार्ड वगैरह भाई ने काट रखा है, बट डीएल का नंबर है। बट कोई ऐसा इशू नहीं है भाई, बाइक जो है और बाइक की पावर तो भाई इसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। एंड उसके बाद में इधर लगी है भाई हमारी राइडर और ये बाइक ऑलरेडी एक बार मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो फाइनली आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई कौन सी वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। तो ये है भाई राइडर 125 सीसी की बाइक है और हालांकि इसका माइलेज और टीवीएस की बाइक है तो भाई माइलेज जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट है और इंजन की पावर तो आपको पता है भाई टीवीएस की कैसी होती है। और ये भाई है हमारे भाई की UP25 और उसके बाद में नाम जो भी होगा वो आपको हम बता देंगे। और हालांकि अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और उसके बराबर में भाई जो हमारी लगी है हीरो की भाई पल्स बाइक लगी है X-Pulse, तो इसका भी फीचर्स मैं बता दूं कि भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार है भाई। ये भी भाई UP25 का और ये साइड स्लाइडर लगा रखे हैं भाई ने, क्योंकि कभी कभार हम लोग होते हैं ना बाइक चलाते हैं तो हम लोगों को एयर वगैरह का सीन रहता है या फिर धूल वगैरह है वो हमारे लोगों के ग्लव्स वगैरह पे आ जाती है, तो वो भाई प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करती है। ये भी UP25 का नंबर है भाई, जो इसका मडगार्ड वगैरह ना वो प्रॉपर चेक करो भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसके बाद में भाई हम बात करते हैं जो हमारा क्रैश गार्ड लगा हुआ है वो भाई देख ही सकते हो भाई वैजन कंपनी का है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और अभी नॉर्मली बात कर तो भाई अभी ज़्यादा लॉन्ग राइड शायद कर रहे ना इस पर, और भाई जैसा भी सीन है भाई मैं बता दूं कि उसके बराबर में हमारे जो 4 नंबर पे लगी हुई भाई हिमालयन और भाई कितनी ज़्यादा पावरफुल बाइक है। तो भाई ये जो है भाई मैं दिखा दूँ कि भाई अभी ये भाई का जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे भाई को सपोर्ट करो। एंड उसके बाद में जो भाई लाइटिंग की जो है फुल डेकोरेशन भाई ने करा रखा है, ये भी भाई हमारा बरेली का नंबर है और इसका लुक जो है भाई ऊपर की साइड में एक मडगार्ड दे रखा है, देन इसके बाद में नीचे की साइड में भी एक मडगार्ड दे रखा है और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट लगता है। और उसके बाद में बता दूँ कि भाई अभी साइड में हमारी लगी है स्टार सिटी और इसको आपको पता है भाई हम लोग जो है बस केवल नॉर्मली अपने यूज़ के लिए रख रहे हैं, तो इसको अभी हमने लगा दिया साइड में। अभी एक भाई से हम आपको मिला दे रहे हैं, तो ये देखो भाई प्रॉपर चेक करो। तो ये हैं भाई हमारे पूरन भाई और हालांकि मैं बताऊं कि भाई इनको शायद आप लोगों ने पहले ही वीडियो में देखा था और जो बनी कवर भाई मैंने दिखाया था अभी आपने थंबनेल भी देखा होगा भाई ये है। और इसका भाई प्राइस क्या था? 1200 रुपये का। और इसका एक और भी तो मॉडल आता है इससे ऊपर वाला, वो कितने का था? वो ऐसे आपको 2700 का पड़ेगा, 2700 रुपये का। अंतर क्या होगा इसमें? इसमें क्वालिटी का, क्वालिटी का तो ये थोड़ा सॉफ्ट है, लूज है जी। हाँ ये भाई काफ़ी ज़्यादा लूज लग रहा है, बट उसका थोड़ा ये ना ये वाले कान वगैरह थोड़ा सा ना ऊपर साइड में खड़े रहते हैं। चलो कोई नहीं भाई यार, वैसे भी इसमें आप कोई चीज़ चाहो तो लगा सकते हो नॉर्मली, है ना। हाँ तो भाई ये तो हो गया भाई पूरन भाई, उसके बाद में देखते हैं कि भाई आगे का सीन क्या है, क्योंकि भाई टाइमिंग भी हो चुकी है। तो देखो भाई टाइमिंग भी अभी हम लोगों की हो चुकी है, तो अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना है और काफ़ी देर भाई हम लोगों को यहाँ पे खड़े खड़े हो चुकी थी और वैसे तो कोई प्लान नहीं था, बट भाई लोगों का जो था मैंने बाइक वगैरह लगी देखी थी तो मैंने कहा क्यों ना भाई लोगों से मिल लिया जाए। हमारी 4 बाइक्स का जो कलेक्शन है भाई लोगों का वो भाई इधर साइड में, एंड मैं बता दूँ कि भाई हमारी बाइक जो है ऑलरेडी TVS स्टार सिटी साइड में लगी है भाई। आपको पता देखो वो वाली बाइक इन बाइक्स के सामने कुछ भी नहीं है भाई, अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो भाई वो बाइक कुछ भी नहीं है। और मैं बता दूँ कि प्रॉपर जो हाइट वगैरह वेट है भाई बहुत ज़्यादा कम्फर्ट बाइक्स हैं और सिर्फ भाई लोग जो है राइड करते हैं और बाकी रह गया भाई स्टंट वगैरह कुछ भी नहीं करते, नॉर्मली हम लोग जो है भाई लोग राइड करते हैं। और जो भाई लोग हमारे थे वो भाई नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे और उनके साथ में राइड भी करने का भाई प्लानिंग कर रखी है, बट भाई लोगों से भी कांटेक्ट जो है आज शाम को दोबारा से हो जाएगा। देन उसके बाद में मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि भाई किस तारीख में हम लोगों को कहाँ जाना है या फिर कौन सी राइड करनी है। ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना, एंड भाई जो बंदे भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से जाके ना चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू सो मच।